हमने शुड, कुड और वुड इन तीनों से रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अलग अलग वीडियोस में की है। आज के इस वीडियो में हम शुड, वुड, कुड तीनों के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे। इससे ये पता लगेगा कि इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कहीं पे आप शुड यूज करना चाहिए कुड कर दिया या कुड करना चाहिए वुड कर दिया। शुड के केस में शुड बी, शुड हैव, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड। कुड के केस में कुड बी, कुड हैव, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड और वुड बी, वुड हैव, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड। इन सब का हम यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, सेंटेंसेस रखूंगा, टाइम भी दूंगा, तसल्ली से सेंटेंसेस को बनाइए और देखिए कि किस तरह से सही तरीके से मैं बनाता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। वो घर के अंदर घुस नहीं पाया। वो घर के अंदर घुस नहीं पाया। पाया के लिए तो आप जानते हैं कुड का यूज होता है, सिंपल। ही कुडंट एंटर द हाउस, ही कुडंट एंटर द हाउस। कुडंट मतलब कुड नॉट। नेक्स्ट, वो इस वक्त घर पर हो सकता है। वो इस वक्त घर पर हो सकता है। पहले मैं आपके सामने छोटे छोटे सेंटेंसेस रख रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा बड़े सेंटेंसेस लेंगे। हो सकता है, इस सेंटेंस को देख करके आप बता सकते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी की बात है, एक संभावना की बात है कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है के लिए कुड बी का यूज करते हैं, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, ही कुड बी एट होम राइट नाउ। यहां पर कुड की जगह पर मे या माइट का भी यूज किया जा सकता है, तो मैं कह सकता हूं ही मे बी एट होम राइट नाउ, या फिर मैं कह सकता हूं ही माइट बी एट होम राइट नाउ। शायद वो इस वक्त कुछ कर रहा हो। अब इस सेंटेंस को देखिए, शायद वो इस वक्त कुछ कर रहा हो। जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना की बात करते हैं, यहां पर मैंने कहा शायद कर रहा हो, तो किसी काम को कर रहे होने की बात हो रही है और वो भी पॉसिबिलिटी में। ऐसे में कुड बी का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज। ही कुड बी डूइंग समथिंग राइट नाउ। आप देख रहे हैं ना, मेन वर्ब इस सेंटेंस में करना है, करना यानी कि डू, डू की आईएनजी फॉर्म यूज की यहां पर। और हमेशा याद रखिए, पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड की जगह पर मे या माइट का यूज कभी भी कर सकते हैं, जब भी पॉसिबिलिटी की बात होगी। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ही मे बी डूइंग समथिंग राइट नाउ, या फिर ही माइट बी डूइंग समथिंग राइट नाउ। तीनों सेंटेंसेस का सेंस बिल्कुल सेम निकल के आएगा, कोई फर्क नहीं है। यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। हालांकि ये इंग्लिश की ब्यूटी भी है, लेकिन इससे कंफ्यूजन भी होता है कई बार व्यक्ति को। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। वो इस कॉलेज में हो सकता था, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। हो सकता था, इसके लिए हम क्या यूज करें? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी पॉसिबिलिटी की बात हो, संभावना की बात हो, तो हो सकता है के लिए तो हम कुड बी कहते हैं। हो सकता था के लिए हम कुड हैव बीन कहते हैं। ही कुड हैव बीन इन दिस कॉलेज बट, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। ही डिड नॉट ट्राई। ये जो बट है ये एक कंजंक्शन है, और बट के बाद का ये जो क्लॉज है उसने कोशिश नहीं की, ये क्या है? एक पास्ट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, वो ये काम कर सकता था। वो ये काम कर सकता था। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को कर सकता था, जैसे गाना गा सकता था, खेल सकता था, खाना खा सकता था, मिल सकता था, फोन कर सकता था, बैठ सकता था, उठ सकता था, ऐसे में आप दो तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। एक तो कुड के साथ, केवल कुड के साथ, और दूसरा कुड हैव के साथ। फर्क हमेशा ये रहेगा कि अगर कुड के साथ बनाएंगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर कुड हैव के साथ बनाएंगे तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से वीडियोस में ये चीजें समझाई हैं, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए समझना। इस सेंटेंस को मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं, ही कुड डू दिस वर्क, या फिर ही कुड हैव डन दिस वर्क। अब आप देख रहे हैं, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और कुड हैव के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास एक अच्छी जॉब हो सकती थी, उसके पास एक अच्छी जॉब हो सकती थी। अब यहां पर पास हो सकता था, ये है मेन कॉन्सेप्ट। जब भी किसी के पास कुछ हो सकता था, जैसे मेरे पास मोबाइल हो सकता था, उसके पास आज कार हो सकती थी, हमारे पास एक अच्छा घर हो सकता था, ऐसे में पास हो सकता था, इसके लिए हमेशा कुड हैव हैड का यूज करते हैं। ही कुड हैव हैड अ गुड जॉब। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी किसी पॉसिबिलिटी की बात होती है तो कुड के अलावा मे या माइट का भी यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही मे हैव हैड अ गुड जॉब, या फिर ही माइट हैव हैड अ गुड जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वो नहीं जाता पर उसे जाना पड़ा। वो नहीं जाता पर उसे जाना पड़ा। जब भी सेंटेंस में आता है जाता, आता, खेलता, वो नहीं मिलता, वो मुझे कॉल करता, वो उसके साथ बैठता, ऐसे में आप वुड का यूज करते हैं। वो नहीं जाता, ही वुडंट गो। वुडंट यानी कि वुड नॉट, पर बट उसे जाना पड़ा। उसे जाना पड़ा, इसके लिए तो आप जानते हैं हैड टू मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, ही हैड टू गो। ये पूरा सेंटेंस यहां पर कंप्लीट होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि गो को मैंने दो बार कहा। जब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जाने की बात हो रही है तो दूसरा वाला जो गो है उसे कहने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। ये सेंटेंस इतने में ही कंप्लीट है, ही वुडंट गो बट ही हैड टू। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इस वक्त पढ़ रहा होगा। वो इस वक्त पढ़ रहा होगा। अब यहां पर आया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आप जानते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जब आता है तो विल बी का यूज करते हैं फ्यूचर में। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा थोड़ी कहा कि वो कल पढ़ रहा होगा, या वो दो दिन बाद पढ़ रहा होगा, या वो दो घंटे बाद पढ़ रहा होगा। तो ये फ्यूचर में नहीं है, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट में है। वो इस वक्त पढ़ रहा होगा, ऐसे में विल का यूज नहीं करते हैं। विल की जगह पे किसका यूज करते हैं? वुड का। ही वुड बी स्टडिंग राइट नाउ। यहां पर स्टडी के साथ आईएनजी क्यों लगाया? जैसे विल बी के साथ आईएनजी लगाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, वैसे ही वुड बी के साथ में आईएनजी का यूज होता है जब रहा, रहा, रही, रहे की बात हो रही है, किसी काम को कर रहे होने की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो आपको बताता अगर आप उससे पूछते। वो आपको बताता अगर आप उसको पूछते। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियोस में बताया है कि इस तरह का सेंटेंस कंडीशनल टाइप टू का सेंटेंस होता है, यानी कि इन सेंटेंसेस में अभी भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप चाहें अभी भी आप उससे पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। ये सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल टाइप टू के सेंटेंसेस, और यहां पर वुड का यूज होता है। ही वुड टेल यू, वो आपको बताता इफ यू आस्क्ड हिम, अगर आप उससे पूछते। यहां पर आप देख रहे हैं इफ वाले क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा है, आस्ट। हां, अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह से कहूं, उसने आपको बता दिया होता अगर आपने उसे पूछा होता। अब ये सेंटेंस कंडीशनल टाइप थ्री का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसे पूछो और वो आपको बता दे, क्योंकि ये बीती हुई एक बात की बात हो रही है। बीते हुए कल में अगर आपने उसे पूछा होता तो वो आपको बता चुका होता, या उसने आपको बता दिया होता, लेकिन अब ये वक्त वापस नहीं आ सकता, ये एक्शन अब नहीं हो सकता, इसलिए ये कंडीशनल टाइप थ्री का सेंटेंस है, और ऐसे में वुड हैव का यूज होता है। ही वुड हैव टोल्ड यू, उसने आपको बता दिया होता इफ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर आपने उसे पूछा होता। यहां पर आपने देखा कि वुड हैव का यूज हुआ, और इफ वाले क्लॉज में हैड का यूज कंपलसरी है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, आज उसके पास एक अच्छी जॉब होती अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती। अब चूंकि ये काम अब नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बीत चुका है, तो ये भी कंडीशनल टाइप थ्री का सेंटेंस है। और पास होता, जब भी किसी के पास कुछ होता बीते कल में, ऐसे में हमेशा वुड हैव हैड का यूज करते हैं। आज उसके पास एक अच्छी जॉब होती, ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब टुडे, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, इफ ही हैड स्टडीड वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे आज स्कूल जाना पड़ता।
उसे आज स्कूल जाना पड़ता। जब भी हम बात करते हैं पड़ता, किसी काम को करना पड़ता, जैसे मुझे जाना पड़ता, उसे आना पड़ता, उसे ये काम करना पड़ता, हमें वहां जाना पड़ता, ऐसे में वुड हैव टू का यूज करते हैं। ही वुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे जानवरों को प्यार करना चाहिए। ये सेंटेंस तो बहुत ही सिंपल है। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को किसी काम को करना चाहिए, जैसे उसे जाना चाहिए, आना चाहिए, खेलना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, ऐसे में आप शुड का यूज करते हैं। ही शुड लव एनिमल्स। उसे इस वक्त जिम में होना चाहिए। अब यहां पर आ गया होना चाहिए। होना चाहिए के लिए क्या यूज करते हैं? शुड बी। ही शुड बी इन जिम राइट नाउ। और अगर यही सेंटेंस पास्ट में हो जाए, उसे उस वक्त जिम में होना चाहिए था, उस वक्त यानी बीते कल में, ऐसे में हम होना चाहिए था के लिए क्या यूज करते हैं? शुड हैव बीन। ही शुड हैव बीन इन जिम एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो इस वक्त खेल रहा होगा। वो इस वक्त खेल रहा होगा, एक ओपिनियन आपने दिया। जब आप ओपिनियन देते हैं ना कि वो इस वक्त खेल रहा होगा, ऐसा आपको लगता है, ऐसे में भी शुड का यूज होता है। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ऐसे में शुड बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही शुड बी प्लेइंग राइट नाउ। बोलने में तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। सेंस बिल्कुल सेम है। इसीलिए तो इंग्लिश बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि कहीं पे आप कुछ बोल सकते हैं, कहीं पे आप कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस को हर तरीके से बोल सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपके बोलने का अंदाज क्या है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, पास होना चाहिए। जब भी किसी के पास कुछ होना चाहिए, जैसे मेरे पास ये होना चाहिए, उसके पास वो होना चाहिए, हमारे पास घड़ी होनी चाहिए, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, ऐसे में शुड हैव का यूज करते हैं। ही शुड हैव अ लैपटॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, उन दिनों उसके पास कार होनी चाहिए थी। उन दिनों उसके पास कार होनी चाहिए थी। अब इस सेंटेंस में पास होना चाहिए था, बीते कल में किसी के पास कुछ होना चाहिए था, इसकी बात हो रही है। ऐसे में शुड हैव हैड का यूज करते हैं। ही शुड हैव हैड अ कार दोस डेज। ही शुड हैव हैड अ कार दोस डेज। मुझे उसे 500 रुपए उधार देने चाहिए थे। यहां पर किसी काम को करना चाहिए था की बात हो रही है। तो जब भी किसी काम को करना चाहिए था, शुड हैव का आप यूज करते हैं, और जो भी काम है, जो भी वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज। उधार देने को हम लैंड कहते हैं। लैंड की थर्ड फॉर्म लेंट का यूज कर लेंगे। आई शुड हैव लेंट हिम 500 रुपीज। अच्छा, जब लिखते हैं तो रुपीज पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद 500 लिखते हैं। बोलते वक्त भी आपके ऊपर है, आप चाहें तो रुपीज 500 कह दें, या फिर आप बोलते वक्त 500 रुपीज कह दें। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद वो कहीं जा रहा हो। शायद वो कहीं जा रहा हो, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। रहा हो, रही हो, रहे हो, और पॉसिबिलिटी की बात, तो मैंने आपको बताया क्या यूज करेंगे, कुड बी। और जिस भी काम को कर रहे होने की बात होगी, उसके साथ आईएनजी का यूज कर लेंगे। ही कुड बी गोइंग समवेयर। आप देख रहे हैं ना, यहां पर कुड बी के साथ में आईएनजी फॉर्म लग गई गो की। और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, ऐसे सेंटेंसेस में आप कुड की जगह पर मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। ही मे बी गोइंग समवेयर, या फिर ही माइट बी गोइंग समवेयर। तुम समय पे क्यों नहीं आ सके। आ सके, सका या पाया के लिए आप कुड का यूज करते हैं। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर WH फैमिली मेंबर है क्यों। क्यों को आप कहते हैं वाई। वाई के तुरंत बाद आएगी मोडल वर्ब कुड। सब्जेक्ट है तुम, तुम के लिए यू। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा। और उसके बाद कुड के साथ आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहां पर वर्ब है आना, आने को कम कहते हैं। और उसके बाद समय पे, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इन टाइम। Why could he not come in time? अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिए कि जो भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है और साथ ही नेगेटिव भी, ये इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, ऐसे में आप नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद तो कर ही सकते हैं, जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन आप साथ ही साथ इसे हेल्पिंग वर्ब या जो भी मॉडल वर्ब है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। यानी कि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, Why couldn't you come in time? राजेश अपने दिल की बात कभी नहीं कह सका। सका, पाया, फिर से एक बार कुड का यूज। सब्जेक्ट है राजेश, उसके बाद कुड, उसके बाद कभी नहीं के लिए नेवर, उसके बाद यहां पर वर्ब क्या है, किस काम को करने की बात हो रही है, कहने की बात हो रही है, कह नहीं सका।
कहने को से कहते हैं। अपने दिल की बात यानी अपनी फीलिंग्स, हिज फीलिंग्स। राजेश कुड नेवर से हिज फीलिंग्स। आप चाहे तो यहां पर से की जगह पे स्पीक आउट भी कह सकते हैं, राजेश कुड नेवर स्पीक आउट हिज फीलिंग्स। ये ज्यादा एडवांस लगता है। नेक्स्ट, क्या मुझे अपने चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली मेंबर कोई है ही नहीं, तो चाहिए के लिए शुड का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है मुझे यानी कि मैं, आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर क्रिया क्या है? लगाना, लगाने को अप्लाई करना कहते हैं, जैसे क्रीम लगाना, ऑयल लगाना, किसी भी चीज को लगाना यानी अप्लाई करना। शुड आई अप्लाई समथिंग ऑन माई फेस? क्या मुझे अपने चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए? नेक्स्ट, क्या वो घर आ पाया? पाया या सका, एक बार फिर से कुड का यूज होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए शुरुआत में होगा। कुड ही कम होम? आप मेरे घर आ सकते थे, सकते थे। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को कर सकता था, आने के काम को यहां पर कर सकता था, ऐसे में मैंने आपको बताया कुड या कुड हैव दोनों के साथ सेंटेंस को बना सकते हैं। यू कुड कम टू माई होम या फिर यू कुड हैव कम टू माई होम। यहां पर कुड के बाद भी कम यूज हुआ और कुड हैव के बाद भी कम यूज हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कम मतलब आना, उसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होती है कम। यहां पर कुड के साथ यूज हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के साथ यूज हो रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं, टू का यूज हुआ, जबकि पिछले सेंटेंस में मैंने कहा कुड ही कम होम, वहां पर टू नहीं लगाया, क्योंकि जब होम कहते हैं तो टू नहीं लगाते, और जब माय होम कहते हैं, माय आ गया उससे पहले, एक पजेसिव एडजेक्टिव आ गया उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने रखता हूं तीन सेंटेंसेस। इन तीन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस वीडियो के कॉमेंट्स में आप जरूर लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि टॉपिक पे आपकी क्या पकड़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कम से कम एक व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, इससे देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियोस पहुंच सकती हैं और वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।